Assalamu alaikum everyone, welcome back to inventory management system tutorials. और आज की क्लास के अंदर हम लोग अपने सॉफ्टवेयर को आगे कंटिन्यू करेंगे. और पिछली क्लास के अंदर हम लोगों ने अपने जो यूज़र्स की विंडो थी उसके अंदर सर्चिंग, डिलीशन, अपडेटिंग और जो भी मामला थे इनेबलिंग और डिसेबलिंग के, और व्यू का बटन जो हमने लगाया था, वो सारा कुछ काम किया था हमने पिछली क्लास के अंदर. आज हम लोग फर्दर देखेंगे कि किस तरह से और हम लोग अपने काम को इन्हेंस कर सकते हैं और किस तरह से हम उसके ऊपर मज़ीद सिक्योरिटीज़ लगा सकते हैं और प्रोडक्ट्स को भी ऐड करवाएंगे जिस तरह से हमने यूज़र्स को ऐड करवाया था. एज दिस इज़ एन इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम, सो वी शुड हैव प्रोडक्ट्स, ठीक है. और प्रोडक्ट्स किस तरीके से होंगे, कैसे होंगे, वही सारा फिनोमेना अप्लाई होगा जैसे कि यूज़र्स की विंडो में हुआ था. सो लेट्स स्टार्ट. I have my application here. Let us have a quick review. What we have done before, we have this page. I haven't done login page coding right now. But usko hum end mein dekhenge. We have this type of data inside our users window. Aur jab hum add byte kar rahe the, sara kuch ho raha tha, search wagaira bhi ho raha tha. Jaise ki yahan pe aap dekh sakte hain, sara kuch ho gaya tha. Sahi hai na? Delete pe bhi kaam ho gaya tha, save pe, update pe, edit pe kuch rehta nahi tha. Clear hai? अब आगे चलते हैं. आगे हमने करना ये है कि आप एक तो प्रोडक्ट्स ऐड करें, बट वी डोंट हैव एनी प्रोडक्ट विंडो राइट नाउ. प्रोडक्ट्स, ओके, प्रोडक्ट की विंडो बना लेते हैं. सबसे पहले क्लोज एवरीथिंग. सॉल्यूशन एक्सप्लोरर, राइट क्लिक, एड विंडोज फॉर्म. रीनेम इट टू प्रोडक्ट्स. ये विंडो आ गई. विदाउट चेंजिंग एनीथिंग, डोंट इवन इंक्रीज द साइज. Just right click, go to the code, change the parent from form to sample to, because this is my window. इसको save करें, product पे आ जाएं. सारी window बनी भी आ गई without any problem. Text should be products का P capital कर दें यहाँ पे. अब यहाँ पर मुझे products, वही obviously बात है, product भी add होंगे, सारा कुछ मामला होगा. Clear है ये बात. Go to your सैम्पल टू विंडो क्लास. ये मेथड्स बनाए थे, इन मेथड्स को यहाँ कॉपी कर लें. कॉपी इट, प्रोडक्ट्स पे आए. अच्छा, प्रोडक्ट की विंडो पे डबल क्लिक करके लोड का मेथड इवेंट बना लें यहाँ पे पहले ही. और उसके बाद सारे मेथड्स को यहाँ पेस्ट किया, कंट्रोल एच प्रेस किया, और जो वर्चुअल लिखा हुआ है इसको कॉपी किया. ये प्रोडक्ट्स की विंडो में हूँ मैं, और वर्चुअल की जगह क्या लिख देंगे, ओवरराइड और रिप्लेस. तो छह मेथड्स थे, सारे के सारे रिप्लेस मतलब हो गए हैं, ओवरराइड लिखा हुआ आ गया है. दैट मींस यहाँ पर मैं कुछ काम करूँगा, यहाँ पे कुछ काम करूँगा, और दीज बटन्स आर डिफरेंट. हालांकि ये लॉक्ड हैं, बट इट विल वर्क डिफरेंटली अदर देन द यूजर्स विंडो, क्योंकि मैंने यहाँ पे ओवरराइडिंग की है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के जरिए. इसको क्लोज कर दें सैम्पल टू को. एक तो ये काम हो गया. नाउ द डिज़ाइन फेज. Take a label. अच्छा, अब देखें, the approach that you are using is not a good approach. Why I am saying this? Always plan. I have a plan in my mind, but you will write on the paper or anywhere on a word document or in an excel file. You have to write what you need. Ask your client what he need, what she need. उसको software के अंदर product की क्या क्या detail चाहिए, वो पूछ के आप लिखें अपने पास paper पे, उसके हिसाब से फिर डिज़ाइन बनाएंगे आप. हम लोग यहाँ पर एक, क्योंकि एक एजुकेशनल पर्पसेस के लिए यहाँ पर ये सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, तो फिर हम लोग यहाँ पर कुछ चीज़ें ले रहे हैं और पेपर के ऊपर जो है वो जो चीज़ें मेरे दिमाग में हैं वो मैंने मेंशन कर ली हैं. अब इसको जो है वो लिख लेते हैं कि भाई लेबल होगा सबसे पहले तो प्रोडक्ट नेम, जो भी प्रोडक्ट का नाम है. देन वी नीड अ टेक्स्ट बॉक्स.
and this should be of length something like this. Send it back. Clear? Product. Rename this to product text. सही है. और इसके साथ ही आप अगर यहाँ से यूज़र्स की विंडो ओपन करें और इसको कॉपी कर लें और यहाँ पर कर लें इसको पेस्ट. ठीक है, राइट क्लिक, सेंड टू बैक, ताकि मेरे पास जो है वो चलता रहे मामला. एरर लेबल, तो ये कौन सा एरर लेबल होगा भाई? प्रो एरर लेबल नाम रख लें ताकि आपको एरर दिखाने में आसानी हो. एक काम तो हो गया, प्रोडक्ट का नाम. और क्या चाहिए होगा प्रोडक्ट को सेव करवाते हुए? फर्स्ट कर लो आप एक डेरी मिल्क ऐड करवा रहे हैं, तो डेरी मिल्क नाम आ गया उसका. और क्या हो सकता है बताएं? और उसकी जो है वो प्राइस. अब प्राइस के अंदर मामला थोड़े से डिफरेंट हो सकते हैं. प्राइस जो है वो एक प्रोडक्ट की इस टेबल में भी आ सकती है और किसी और टेबल में भी आ सकती है. तो डिपेंड करता है कि आप जो है वो प्राइस किस तरह से ले रहे हो, ये जो है वो फिर आपको देखना पड़ेगा. उसके अलावा प्राइस के अलावा प्रोडक्ट का नाम आ गया, प्रोडक्ट की एक्सपायरी भी होती है. ठीक है, प्रोडक्ट की एक्सपायरी भी होती है. तो क्या मैं ऐसे कर सकता हूँ कि कॉपी इट एंड पेस्ट इट. और एक और चीज़ भी होती है प्रोडक्ट के साथ, बार कोड. ठीक है, प्रोडक्ट का नाम दिया, फिर इस प्रोडक्ट का बार कोड. तो बार कोड भी टेक्स्ट फॉर्मेट में होगा और इसका भी एरर लेबल होगा, ये ब्लैंक नहीं होना चाहिए. बार कोड. और क्या हो सकता है प्रोडक्ट के बार कोड के बाद? एक्सपायरी, कॉपी एंड पेस्ट. और यहां बार कोड के बजाय मैं लिख रहा हूं एक्सपायरी, एक्सपायरी डेट. बट दिस इज मैंडेटरी, दिस इज नॉट मैंडेटरी. बहुत सारे प्रोडक्ट की एक्सपायरी डेट लिखी होती है, बहुत सारों पे नहीं भी लिखी होती, या बहुत सारों की एक्सपायरी डेट नहीं होती. यू कैन मेक इट ब्लैंक. आप इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि आप इसको ब्लैंक छोड़ना चाहते हैं. तो इस वजह से मैं अभी नहीं लगा रहा अभी, बट डेट लेनी है मुझे, तो आई एम नॉट यूजिंग गोइंग टू टेक दिस कंट्रोल. या आई विल टेक अनदर कंट्रोल, डेट टाइम पिकर. दिस इज अ वेरी ब्यूटिफुल कंट्रोल एंड वी कैन यूज दिस इन एनी मैनर. सही है, मैं डेट इस तरह से नहीं दिखाना चाहता, मैं चाहता हूँ डेट कोई अच्छे तरीके से दिखे. तो ये डेट टाइम पिकर है, इस डेट टाइम पिकर का नाम हम रख लेते हैं एक्सपायरी पिकर. सही है, इसका नाम रखा एक्सपायरी पिकर. और इसके ऊपर जो फॉर्मेटिंग आ रही है, ये थर्सडे अक्टूबर 4, 2018, तो इसको लॉन्ग फॉर्मेट से हटा के बाय डिफॉल्ट कस्टम कर रहा हूँ मैं. और कस्टम फॉर्मेट पे जाकर मैं यहाँ पर अपना फॉर्मेट दूंगा कि मुझे डेट किस तरह से देखनी है. तो मैंने लिखा डी डी डैश एम 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 डैश वाई 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 वाई. डी डी से जो है वो 0, 1, 2, 3, 4 से नंबर्स आ जाएंगे, एम 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 से मंथ आ जाएगा 3 digits में, और वाई 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 से ईयर आ जाएगा. लुक, तो इट इज़ अप टू यू कि आप किस तरह से देखते चाहते हो अपनी डेट को. और बाकी जब आप यहाँ क्लिक करोगे तो पूरा कैलेंडर ओपन हो जाएगा, यू कैन मूव फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड एज वेल. क्लियर है ये बात? यहाँ पर आप एक कंडीशन ये भी लगा सकते हो कि एक्सपायरी डेट आज की डेट से पीछे की डेट ना हो. वैलिडेशन है ना भाई, एक चीज़ जो मैं अपने पास ले रहा हूँ तो वो उसकी एक्सपायरी डेट आगे की होनी चाहिए ना, पीछे की तो नहीं होनी चाहिए. तो दिस इज अ वैलिडेशन दैट यू कैन अप्लाई. क्लियर है ये बात? तो यहाँ पर वैलिडेशन ये लगा सकते हैं आप कि एक्सपायरी डेट पीछे की ना हो. क्लियर है? ये वैलिडेशन यहाँ लगा सकते हो, ये ब्लैंक की वैलिडेशन नहीं है, क्योंकि डेट ब्लैंक कैसे होगी, यू हैव टू पास समथिंग. तो एक्सपायरी डेट खाली नहीं होनी चाहिए, मतलब खाली से मुराद आगे की नहीं होनी चाहिए, खाली हो सकती है आगे की ना हो. ओके, उसके बाद और क्या चाहिए भाई? इसके बाद प्राइस. फॉर द टाइम बीइंग हम प्राइस यहाँ ले लेते हैं, फॉर द टाइम बीइंग हम प्राइस यहाँ ले लेते हैं. बट आई विल नॉट सजेस्ट, क्योंकि फ्यूचर में हमें ये प्रॉब्लम कर सकता है. अभी हम फिलहाल प्राइस यहाँ ले लेते हैं. कॉपी इट एंड पेस्ट इट.
प्राइस, ठीक है। कुछ और हो सकता है प्राइस के यहां पे डिजाइनिंग में है भाई? प्राइस टेक्स्ट, और दिस इज माय बारकोड टेक्स्ट एंड दिस इज बारकोड एरर लेबल। ठीक है, बारकोड एरर लेबल, एक्सपायरी एरर लेबल, एंड व्हाट अबाउट प्राइस? दिस इज प्राइस एरर लेबल। सेव, एंड दिस इज माय प्राइस टेक्स्ट। क्लियर है? अच्छा, उसके बाद आगे क्या करना है? कुछ और हो सकता है इसमें? प्राइस प्रोडक्ट है ये मेरे, प्रोडक्ट का नाम आ गया, बारकोड आ गया, एक्सपायरी डेट, प्राइस, व्हाट एल्स वी कैन टेक फॉर एडिंग द प्रोडक्ट। अभी हम प्रोडक्ट परचेज नहीं कर रहे हैं, अभी हम प्रोडक्ट परचेज नहीं कर रहे हैं, जस्ट हम अपनी दुकान में क्या क्या रखेंगे या ये बंदा अपनी शॉप पे क्या क्या रखेगा, अपने बिजनेस में क्या क्या प्रोडक्ट्स ऐड करेगा, वो यहाँ पे आएगा। सही है। वन मोर थिंग वी कैन यूज टू ऐड हियर इज द कैटेगरी, कैटेगरी ऑफ द प्रोडक्ट। क्लियर है ये बात? कैटेगरी, कॉपी इट एंड पेस्ट इट। प्राइस के बाद यहां पर जो आप चीज ऐड करोगे वो है कैटेगरी। ये प्रोडक्ट किस चीज का है? ये डेयरी प्रोडक्ट है, ये बेकरी प्रोडक्ट है, ये किचन प्रोडक्ट है, क्या क्या है ये? ठीक है, तो कैटेगरी के लिए कॉम्बो बॉक्स होगा हमारे पास। बट कैटेगरी मैं यहां पर वन बाय वन ऐड करवा सकता हूं कि ये डेयरी है, ये बेकरी है, ये किचन है, ये फर्नीचर है, ब्ला 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 ब्ला। बट दिस इज नॉट अ गुड अप्रोच। कल को मैं अपनी दुकान के अंदर एक कैटेगरी बढ़ा रहा हूं, मैं वहां पर जो है वो केक आइटम भी रख रहा हूं, तो फिर मुझे विजुअल स्टूडियो खुलवाकर आप मुझे डेवलपर को बुलाना पड़ेगा ना कि यार इसमें एक और आइटम भी ऐड कर दो। दैट मींस इससे मुझे ये पता चला कि वी हैव अ सेपरेट विंडो फॉर एडिंग द कैटेगरी। वन बाय वन हम लोग कैटेगरी को ऐड करेंगे और वो सारी के सारी कैटेगरीज जो हम पीछे से ऐड करते रहेंगे वो यहां शो होती रहेंगी। क्लियर है? इसको कहते हैं डायनेमिक काम। तो कैटेगरी भी आ गई हमारे पास, हम लोग कैटेगरी को डायनेमिकली बाइंड करवाएंगे। और हम लोग क्या कर सकते हैं? मैं चाहता तो ये डिजाइन बनाकर फिर ये लेक्चर हम लोग कर सकते थे, बट ये मैं साथ साथ इसलिए कर रहा हूं ताकि हम सोचें, मैक्सिमम सोचें कि किस हद तक आप और क्या क्या कर सकते हो इस विंडो में। एनी अदर थिंग दैट यू रिक्वायर फॉर एडिंग द प्रोडक्ट? द इमेज ऑफ द प्रोडक्ट, बट इट इज नॉट नेसेसरी राइट नाउ। इमेज की, हम लोग प्रोडक्ट खरीदेंगे तो उसकी इमेज से उसका क्या ताल्लुक, उसको छोड़ें। कैटेगरी आ गई और इतनी चीजें काफी हैं। अब हम लोग इसको सेव करते हैं और एक और विंडो बनाते हैं, और जिस विंडो का नाम हम लोग रखेंगे कैटेगरीज, क्योंकि कैटेगरी जब तक नहीं होंगी हम प्रोडक्ट सेव ही नहीं करवा सकते, सिंपल। तो उसके लिए राइट क्लिक, एड विंडोज फॉर्म, और यहां पे हम लिख देंगे कैटेगरीज। एड, राइट क्लिक, व्यू कोड, व्हाट वी नीड हियर, सैंपल टू। सही है, सैंपल टू हमारे पास विंडो बनी भी आ गई। प्रोडक्ट की विंडो पे जाएं, इन दो कॉपी कर लें इन दो को, और यहां पर पेस्ट कर दें। सही है, ये आ गए इधर, बल्कि इसको ऐसे कर लेते हैं, ठीक है, यहां पे। तो यहां पे क्या रहेगा? कैटेगरी नेम। सही है, कैटेगरी नेम, और ये जो कैटेगरी है ये एक्टिव है या इनएक्टिव है?
सही है, ये कैटेगरी एक्टिव है या फिर इनएक्टिव है, इज एक्टिव, कॉम्बो बॉक्स आएगा बिल्कुल। सही है, और इसके अंदर हम लोग हार्ड कोड कर सकते हैं क्योंकि यस नहीं तो डालना है आपने, ये डायनामिकली बढ़ नहीं सकता, या तो यस होगा या तो नो होगा, बाद में बढ़ेगा नहीं, दैट मीन्स इट इज फिक्स्ड, कोई मसला नहीं है, यस नो। तो कैटेगरी इज एक्टिव यस या नो, क्लियर। और बस हमें दो ही चीजें यहां पे चाहिए, व्हाट वी गोइंग टू टेक द कैटेगरी टेक्स्ट, इसका नाम दे दिया कैटेगरी टेक्स्ट, इसका नाम दे दिया इज एक्टिव, इज एक्टिव ड्रॉप डाउन या एक्टिव ड्रॉप डाउन, इसका नाम दे दिया एक्टिव एरर लेबल, और इसका नाम दे दिया कैट एरर लेबल। नेम शुड बी डन इन द फर्स्ट प्रायोरिटी, ठीक है, यहां तक कोई मसला, सेव इट। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स व्हाट, हम लोग इस विंडो के ऊपर भी जाएंगे व्यू कोड पे, और जो हमारी प्रोडक्ट्स की विंडो है इसके अंदर ये जो हमने सारे के सारे मेथड्स पेस्ट किए हैं इनको कॉपी कर लेते हैं दोबारा से, कॉपी इट, कैटेगरीज पे आएँ, कैटेगरीज पे डबल क्लिक करें, इसका लोड का इवेंट रेज हो गया और पेस्ट, यहाँ पर भी वही सारे मेथड्स बन गए अलग बटन्स के साथ, बटन्स वही हैं मतलब मेथड्स ओवरराइड हो गए। कैटेगरीज की विंडो भी रेडी है, अब इधर आ जाएँ डेटाबेस में, माय डेटाबेस हैज़ बीन सिलेक्टेड या, तो मैं यहाँ पर सबसे पहले क्या करूँगा, एक जो है वो टेबल बना रहा हूँ, क्रिएट टेबल कैटेगरीज, ठीक है। अच्छा आई एम पॉजिंग द वीडियो फॉर अ वाइल एंड आई विल बी राइट बैक आफ्टर राइटिंग ऑल द क्यूरीज सो दैट द टाइम विल बी सेव्ड एंड यू गाइज विल नॉट बी फ्रस्ट्रेटेड आफ्टर लुकिंग द सेम स्टफ। ओके गाइज वेलकम बैक, मैंने यहाँ पे कैटेगरीज का एक टेबल बनाया, इस टेबल के अंदर कैटेगरी आईडी है जो कि प्राइमरी की है जिसको हम आगे यूटिलाइज करेंगे, कैटेगरी का नाम है और ये कैटेगरी फिलवक्त इनएक्टिव है या फिर एक्टिव है। एक बात, ये टेबल जब मैंने एग्जीक्यूट कर लिया तो उसके बाद जो है वो मेरे पास टेबल यहाँ पर बना हुआ आ गया, ये रहा टेबल्स कैटेगरीज के नाम से। इस कैटेगरीज के टेबल में फिर मैंने इंसर्ट का जो है वो स्टोर्ड प्रोसीजर बनाया बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से मैंने यूजर्स का टेबल बनाया था, फिर इसी तरीके से मैंने कैटेगरी को अपडेट करवाया जिस तरह से यूजर्स को अपडेट करवाया था। दीज आर द सेम क्वेरीज बट द डिफरेंट टेबल वी हैव। देन मैंने डिलीट की क्वेरी प्रोसीजर बनाया है कैटेगरी को डिलीट करवाने के लिए आईडी पास करके, और उसके बाद ग्रिड व्यू में शो करवाने के लिए मैंने कैटेगरी का डेटा यहाँ पर दिखाया, और उसके बाद जो है वो कैटेगरी को क्योंकि हम ड्रॉप डाउन लिस्ट में भी दिखाएंगे तो मैंने यहाँ पर कैटेगरी की आईडी भी मंगाई है और कैटेगरी का नाम भी मंगवाया है। सही है, क्योंकि प्रोडक्ट के टेबल के अंदर कैटेगरी की आईडी जाएगी ना कि कैटेगरी का नाम, क्योंकि कैटेगरी का नाम तो आप ऑलरेडी स्टोर कर चुके हैं। ये बात क्लियर है सब लोगों को, क्लियर है ये बात। इस वजह से मैंने यहाँ दो चीज़ें सेलेक्ट करवाई हैं, लिस्ट में शो होगी सिर्फ कैटेगरी लेकिन बैकएंड के ऊपर हमारे पास यूज़ होगी आईडी। इसको हम ट्राई करेंगे, कोशिश करते हैं कि हमारे पास ये काम हो जाए। ओके, तो ये सारे प्रोसीजर्स मैं बना चुका हूँ, अब इनको जो है वो इम्प्लीमेंट करना है कैटेगरी की विंडो पे, तो लेट्स मूव टुवर्ड्स कैटेगरी। सबसे पहला काम जो हमने करना था, अब आपने एक बार काम कर लिया है ना, अब आप इधर आ जाएं, जो आपके पास ये प्रोडक्ट की विंडो का भी बंद कर दो, अब आ जाओ अपनी यूजर्स की विंडो पे, यूजर्स की विंडो की लोड पे जाएं आप। आपने क्या किया हुआ है यहाँ पे, सबको डिसेबल किया हुआ है। अच्छा, कोशिश करें कि आपकी एक्स्ट्रा स्पेसेस ख़त्म हो ताकि आपकी जो है ना स्पेस में फ़ायदा होगा इससे। यू आर सेम प्रोसेस आपने अप्लाई करना है यहाँ पर, तो इसको कॉपी करें, कैटेगरीज की विंडो पर आएँ और कैटेगरीज के लोड पे यहाँ पर पेस्ट कर दें। लेफ्ट पैनल तो इधर भी है, तो आपके ये पैनल डिसेबल्ड होंगे, मतलब ये जो आपका वो जो कंट्रोल्स हैं। एक काम हो गया यूजर्स की विंडो में, फिर आपने अगले स्टेप में क्या किया हुआ है, बल्कि ऊपर देखें अगर आप, तो आपने यहाँ वेरिएबल्स बनाए हुए हैं। सही है, वेरिएबल्स बना लें तो आप यहाँ पर भी ऑब्वियसली बात है पूरे करोड़ ऑपरेशन परफॉर्म करवाओगे, तो ये वेरिएबल आपको यहाँ पर भी चाहिए होंगे। सही है, यहाँ यूजर आईडी के बजाय मैं क्या कर देता हूँ, कैटेगरी आईडी। सही है, सेव इट। फिर यहाँ यूजर के टेबल में क्या किया हुआ था आपने, रिट्रीव का ऑब्जेक्ट बनाया हुआ था, यहाँ पर भी बना लें। ये बस मैं तेज काम करने का तरीका बता रहा हूँ, ये इस वजह से होगा जब आप प्रैक्टिस में होंगे, अदरवाइज आप फिर वन बाय वन खुद से करोगे इसको देख के। ओके, उसके बाद यूजर्स की विंडो में आपने क्या किया था, लोड के ऊपर, अच्छा लोड के बाद ऐड बटन हमने इनेबल और रीसेट करवाया था और एडिट को जीरो करवाया था, तो ऑब्वियसली बात है कैटेगरीज में भी हम यही काम करेंगे, तो कैटेगरीज के ऐड के बटन के ऊपर भी यही काम पेस्ट कर दें। क्लियर है, उसके बाद अगर ये काम सेम है
तो फिर इसको ओवरराइड करने की भी जरूरत नहीं थी, हम तो डायरेक्ट पिछले वाले मेथड को ही कॉल करवा सकते थे, ये भी हो सकता था, खैर लीव इट। अच्छा उसके बाद हमारे पास जो यूजर्स की विंडो है उसमें क्या हो रहा है, एडिट बटन है, एडिट बटन के ऊपर ये काम हो रहा था, हमने एडिट में वन डलवाया था, तो इसके एडिट के बटन के भी वही काम होगा, सिंपल। सेव, अब इसके सेव के ऊपर देखें, यूजर्स की सेव के ऊपर इतने सारे काम हो रहे हैं, आई हैव टू अप्लाई द सेम प्रोसेस, सो आई एम कॉपिंग दिस ऑल हियर, कॉपी इट एंड इन दिस सेव बटन आई एम पेस्टिंग इट, द एरर्स विल अपीयर सीमलेसली बिकॉज आई डोंट हैव दीज फील्ड्स हियर। ठीक है, मेरे पास क्या क्या है, मेरे पास जो है वो कैटेगरी टेक्स्ट है, कैटेगरी टेक्स्ट डॉट टेक्स्ट, और नेम टेक्स्ट के अंदर क्या जाएगा, कैटेगरी एरर लेबल, सही है, और इस कैटेगरी एरर लेबल को कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। तो मुझे देखें दोबारा वो कोड सेम बार बार नहीं करना पड़ रहा, कैटेगरी टेक्स्ट के बाद और क्या चीज थी भाई, कैटेगरी के अंदर सिर्फ नाम है और इज एक्टिव है बस, तो इज एक्टिव ये सब बीच के अंदर जितनी भी चीजें हैं इसको आप हटा दें, यहां से हट गई, स्टेटस आ रहा है मेरे पास, यहां पर इसका नाम क्या रखा है मैंने, एक्टिव ड्रॉपडाउन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एक्टिव ड्रॉपडाउन, सही है, और एरर लेबल क्या है, एक्टिव एरर लेबल, एक्टिव एरर लेबल, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, वही सारा काम है बस मैं यहां पर चेंज कर रहा हूं चीजों को, तो यहां पर आ जाएगा एक्टिव एरर लेबल डॉट विजिबल या फिर कैट एरर लेबल डॉट विजिबल, ये रहा, सही है, और बाकी सब चीजें तो चाहिए ही नहीं हमें, हमने मिटा दिया उसको। गाइज आर यू गेटिंग मी और नॉट, इज दैट क्लियर, कुछ भी ना क्लियर हो तो प्लीज आप पूछ सकते हैं और लिख भी सकते हैं मुझे, ओके तो अगर ये दोनों फील्ड में से कोई भी एक विजिबल हो तो फिर डिसेबल ये कर देना, आगे चलते हैं, ठीक है ना। अगर स्टेटस ड्रॉपडाउन, अब मेरे पास स्टेटस ड्रॉपडाउन तो नहीं है इधर, मेरे पास बल्कि एक्टिव ड्रॉपडाउन है, कॉपी कर लें इसको, यहां पर पेस्ट कर लें, वैसे मुझे स्टेटस ड्रॉपडाउन ही नाम रखना था तो अच्छा हो जाता, तो मुझे चेंज ना करना पड़ता इसको। तो खैर अगर सिलेक्टेड इंडेक्स जीरो हो तो क्या करेंगे, स्टेटस के वेरिएबल में वन डलवा दिया, और अगर वन हो तो, अब यहां पर आप गौर कर लें, कैटेगरी के अंदर आपने पहले यस डलवाया फिर नो डलवाया है, तो यहां पर यस अगर जीरो होगा तो स्टेटस में वन है, मतलब वन का मतलब यह है कि यस है, और जीरो का मतलब है तो नो है, और यहां पर भी आपने यही किया है ना, अगर वन हो तो यस एल्स नो, ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। उसके बाद सेव करवाने पर आई डोंट हैव एनी मेंबर और एनी मेथड दैट इंसर्ट्स द कैटेगरी, तो कैटेगरी इंसर्ट करवाने के लिए हम यहां चलते हैं इंसर्ट की विंडो में, यहां आ गए हम लोग इंसर्ट यूजर में, यूजर ऐड करवाया था आपने, नाउ व्हाट वी नीड टू ऐड, इसको बंद कर दो ताकि फ्रेश प्रॉपर काम दिखे, और पेस्ट कर दो इधर, नाउ इंसर्ट यूजर के बाद इंसर्ट कैटेगरी, सही है, और कैटेगरी में क्या आएगा, कैटेगरी का नाम, और दूसरा वो कैटेगरी एक्टिव है या नहीं है, तो यहां पर इंटीजर 16 ले लिया मैंने, सिंपल। इसके प्रोसीजर का नाम क्या था, इंसर्ट वाले का, इंसर्ट कैटेगरी कॉपी इट एंड कम हियर एंड पेस्ट इट, सही है। यहां पर अब आपके पास क्या है, एट द रेट नेम एंड एट द रेट इज एक्टिव, नेम तो हमारे पास वहां लिखा हुआ है एट द रेट नेम, और स्टेटस में हम क्या कर देते हैं, इज एक्टिव, दरमियान में ये सारी पैरामीटर्स हमारे पास मिसिंग है, नहीं चाहिए हमें, नेम था और इज एक्टिव, क्लियर है। तो स्टेटस में जो भी मैं दूंगा वो इज एक्टिव में आ जाएगा, और कैटेगरी का जो भी नाम होगा वो लिखा हुआ जाएगा ये मैसेज, वरना एरर आ जाएगा। किसी भी चीज को मैंने चेंज नहीं किया सिवाय बस मैंने अपने टेबल और उसके पैरामीटर्स को चेंज किया है। एनी प्रॉब्लम इन दिस कोड, वी हैव द कैटेगरी, वी हैव द पैरामीटर्स, वी हैव द मैसेज एंड ऑल दैट, इस कोड को कॉपी कर लो, कॉपी दिस, गो टू योर अपडेट, वेयर इज योर अपडेट एंड अपडेशन विंडो, जब यूजर अपडेट हो रहा है तो कैटेगरी भी अपडेट होगी, ऑब्वियस सी बात है, यहां पर आकर पेस्ट कर दें, और यहां पर आप क्या लिखेंगे, अपडेट कैटेगरी, और यहां पर एक और चीज हम दे देंगे, पास करवा देंगे क्या, इंटीजर आईडी कॉमा, क्योंकि आईडी भी देनी है, और अपडेट कैटेगरी के स्टोर प्रोसीजर को कॉपी किया, यहां पे पेस्ट कर दिया, सही है। नेम और इज एक्टिव तो आ ही रहा है, यहां पर भी नेम और इज एक्टिव मौजूद है, ठीक है, लेकिन आईडी भी है, तो उसके लिए मुझे यहां पर कॉपी इट एंड पेस्ट इट,
और यहां पे हम क्या करेंगे आईडी और यहां पे दे देंगे आईडी ताकि इस आईडी के ऊपर हम लोग अपडेट कर लें। अच्छा ये अपडेट की स्पेलिंग खराब थी, इसको सही कर लें। ठीक है तो नेम हो गया एक्टिव, आईडी हो गया, तो जो भी होगा वो अपडेटेड यहां पे क्या लिखेंगे अपडेटेड सक्सेसफुली। ठीक है दिस अपडेटेड सक्सेसफुली, जो भी हम कैटेगरी ऐड कराएंगे वो अपडेटेड सक्सेसफुली, और उसके बाद जो है वो आपके पास मैसेज वगैरह आ जाएंगे एंड सो ऑन। ये हो गया, डिलीट के लिए मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, वजह क्योंकि डिलीट का हमने ग्लोबल मेथड बनाया था तो उसको हम यूटिलाइज कर लेंगे। तीसरी जो चीज़ हमने यहाँ पे करनी थी वो क्या थी भाई, वो रिट्रीवल था। ये देखें रिट्रीवल, रिट्रीवल के अंदर हमारे पास ये शो यूजर्स की जो ये जो हमारे पास मेथड है इसको हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं दोबारा। सही है, ऊपर वाले को बंद कर दें ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। यहाँ क्या आ जाएगा शो कैटेगरीज, ठीक है शो कैटेगरीज ग्रिड व्यू में शो करवाना है ऑब्वियस सी बात है, और ग्रिड व्यू में क्या होगा कैटेगरी आईडी जीवी, कैटेगरी नेम जीवी और स्टेटस जीवी। शिफ्ट एंड ये मिटा दें सारा, ठीक है स्टेटस और ये भी मिटा दें, वही सेम मेथड है, सिर्फ मेरे पास क्या पास करवा रहा हूं मैं स्टेटस नेम आईडी और ग्रिड व्यू जो है मेरे पास, इसको भी हटा दें, इस एल्स को हटा दें यहां पे, इस इफ को हटा दें यहां पे और इस सीएमडी को यहां से ऐसे कर लें जैसे नॉर्मल था हमारे पास काम। अच्छा उसके बाद यहां पर आएं और कैट कैटेगरीज डेटा को कॉपी कर लें और यहां पर आकर इसको पेस्ट कर दें। कर दिया, हमारे पास कुछ और तो था नहीं, इधर पैरामीटर वगैरह तो है नहीं, बस आईडी कैटेगरी और स्टेटस तीन चीज़ें हैं, तो उसके लिए मुझे बाकी सबको हटाना पड़ेगा। यहाँ पर आ जाएगा कैट आईडी जीवी, कैट नेम जीवी और क्या है स्टेटस जीवी राइट, स्टैट जीवी, और यहाँ पर क्या आ जाएगा आईडी के कॉलम में आईडी है देन कैटेगरी है और देन स्टेटस है, दिस इज माय कैटेगरी एंड दिस इज स्टेटस। सबको बस मैंने मैप कर दिया है अपने उस एग्जिस्टिंग कोड के साथ, और इसके कैच के अंदर कोई एरर दिखाना चाहते हैं तो आप दिखा दें, जैसे कि मेन क्लास डॉट शो मैसेज, और यहाँ पर हम लोग मैसेज दे देते हैं अनेबल टू लोड डेटा। सही है, एक मैसेज लिखा मैंने अनेबल टू लोड डेटा या अनेबल टू लोड कैटेगरीज, और उसके बाद कॉमा क्या मांग रहा है हेडिंग दिखा देंगे एरर, फिर कॉमा क्या मांग रहा है एरर लिख देते हैं यहाँ पे। सही है तो मैसेज बॉक्स एरर वाला दिखेगा एरर में, शो कैटेगरीज क्लियर है भाई, ये शो कैटेगरीज ये भी हो गया, बट आई नीड अनदर मेथड राइट नाउ। सही है, मुझे एक और मेथड भी तो चाहिए जिसके जरिए जो है वो मैं डेटा के वो प्रोडक्ट्स के विंडो में कैटेगरीज को लिस्ट डाउन करूं, उसके लिए मैं यहाँ पे अभी काम नया कर रहा हूँ, पब्लिक वॉइड गेट कैटेगरी, पब्लिक void get categories list, नाम ऐसा रखें जिसको देखकर आप identify कर सकें क्या हो रहा है, try catch SQL command cmd equal to new SQL command, और यहाँ पर आ जाएं और यहाँ पर आ जाएगा main class dot connection, और इसमें आपके पास गेट कैटेगरी लिस्ट प्रोसीजर है। अच्छा अब मैं ये गेट कैटेगरी लिस्ट, इसमें कोई पैरामीटर पास हो रहे हैं, इसमें कोई पैरामीटर पास नहीं हो रहे, इसका मतलब ये आगे मुझे ऐसी भी ज़रूरत पड़ सकती है जहाँ पे मैं प्रोडक्ट और प्रोडक्ट की आईडी भी मंगाऊँ, सारे प्रोडक्ट्स लिस्ट डाउन हो रहे हो, दैट मीन्स कि मैं यहाँ पर एक ऐसा ग्लोबल फंक्शन बना सकता हूँ जिसके अंदर मैं यहाँ पर क्या पास कराऊँ
स्ट्रिंग प्रोसीजर, सिंपल, ठीक है। और वो प्रोसीजर मैं यहां दे दूं, सही है, जो भी प्रोसीजर मैं यहां दूंगा वो चलेगा ना। सीएमडी डॉट कमांड टाइप इक्वल टू कमांड टाइप डॉट स्टोर प्रोसीजर, अच्छा पैरामीटर्स तो है नहीं, ठीक है। और कनेक्शन आप ओपन करवाना चाहें तो करवा सकते हैं, लेकिन फिल वक्त जो हम काम कर रहे हैं उसके लिए हमें ज़रूरी नहीं है। क्या करना है हमने, SQL डेटा एडॉप्टर DA इक्वल टू न्यू SQL डेटा एडॉप्टर, और इसके अंदर हमने अपनी CMD को दे दिया जैसे कि ग्रिड व्यू में हम करते हैं। उसके बाद डेटा टेबल DT इक्वल टू न्यू डेटा टेबल और DA डॉट फिल, और फिल के अंदर क्या आ जाएगा, अच्छा एक और चीज़ भी यहाँ पास करवानी है आपने, कॉम्बो बॉक्स। भाई किसके अंदर आइटम लोड करवाने हैं, ये जो आइटम लोड होंगे किसके अंदर होंगे, कॉम्बो बॉक्स में होंगे ना, कॉम्बो बॉक्स CB, जो भी कॉम्बो बॉक्स हम देंगे उसमें। तो DA डॉट फिल यहाँ आ जाएगा DT, डेटा अडॉप्टर के जरिए हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, डेटा अडॉप्टर में डेटा आएगा वो डेटा टेबल में जाएगा, सही है। और उसके बाद क्या होगा, CB डॉट डेटा सोर्स, ये प्रॉपर्टी है, इक्वल टू DT, सही है। उसके बाद CB डॉट डिस्प्ले मेंबर, ये देखें ये प्रॉपर्टी है डिस्प्ले मेंबर, और ये स्ट्रिंग मांगती है गेट्स और सेट्स द प्रॉपर्टी टू डिस्प्ले, यहां पर आप अपना कॉलम नेम दोगे। तो डिस्प्ले मेंबर जो मुझे दुनिया को दिखाना है वो क्या है, कैटेगरी, ठीक है, कैटेगरी यहां पे लिख दिया मैंने। उसके बाद CB डॉट वैल्यू मेंबर, डिस्प्ले मेंबर और ये रहा वैल्यू मेंबर, ये मेरे बैकएंड पे जो मैं इस्तेमाल करूंगा ना ये वो है, एक फ्रंट एंड पे दिख रहा होगा डिस्प्ले जो हो रहा होगा कैटेगरी, और ये बैकएंड के ऊपर जो आईडी है ना वो मैं इस्तेमाल करूंगा। जाहिर सी बात है मैं फ्रंट एंड से डेरी सिलेक्ट कर रहा हूँ, सही है, लेकिन प्रोडक्ट के टेबल में डेरी थोड़ी जाएगा, उस डेरी की आईडी जाएगी ना, तो आईडी कहाँ से आएगी, यहाँ से आएगी, कॉपी इट एंड पेस्ट इट। अच्छा उसके बाद ये सारा कुछ हो गया, डिस्प्ले मेंबर वैल्यू मेंबर, और इसके बाद जो है वो आप लोगों ने क्या करना है, एक चीज़ और करनी है, cb.items.insert ब्रैकेट ओपन, जीरो इंडेक्स पे एक वैल्यू दे रहे हैं आप इधर, सिलेक्ट कैटेगरी, ऐसे ही मैसेज नहीं लिखा हुआ था कॉम्बो बॉक्स पे, सिलेक्ट कैटेगरी डॉट 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 यहां पे। और एक और काम आपने ये करना है कि जब भी ये मेथड कॉल हो तो जो सीबी है उसके अंदर जो आइटम्स हैं वो क्लियर हो जाए, पहले ही सीबी जो है वो क्या हो जाए, खाली हो जाए, बार बार इसके अंदर आइटम ऐड ना हो, जब जब ये मेथड कॉल हो सीबी क्लियर हो जाए, और उसके अंदर ये भाई मैंने उसकी इस सीबी जो मेरी कॉम्बो बॉक्स होगा उसकी जीरो इंडेक्स पे मैंने क्या करवा दिया, सिलेक्ट, अच्छा सिलेक्ट के बाद यहां पे मैं कुछ नहीं लिख रहा क्योंकि हम इसको मल्टीपल पर्पसेस के लिए यूज करेंगे, सिर्फ कैटेगरी के लिए तो नहीं यूज कर रहे ना, सिंपल सिलेक्ट, क्लियर है, ओके। तो ये हो गया मेरे पास गेट कैटेगरी लिस्ट, और गेट कैटेगरी लिस्ट के बाद अब हम लोग जो है इसको इंप्लीमेंट करना है किधर, कैटेगरीज के अंदर आकर, आई तो बनाया भाई आपने, यहां पे क्या रहेगा, इंसर्ट इंसर्ट कैटेगरी, सही है, और यहां पे क्या रहेगा, कैटेगरी टेक्स्ट, बल्कि ब्रैकेट खोल लें आप तो कि आपको गाइडेंस मिल जाए। सबसे पहले वो कैटेगरी का नाम मांग रहा है, और दूसरा क्या मांग रहा है, स्टेटस, स्टेटस आपके पास स्टेट में आप ऊपर ले चुके हैं, दैट्स इट, सही है। उसके बाद ग्रिड व्यू मौजूद नहीं है कैटेगरी में, तो यूजर्स पे ही जाओ, ये ग्रिड व्यू कॉपी कर लो और ये ग्रिड व्यू इधर आकर पेस्ट कर दो, दोबारा नहीं ली मैंने अलग से, उसी को पेस्ट कर दिया और इधर आए, और इसके अंदर आप कॉलम्स चेंज करते हैं, आई डोंट नीड फोन नंबर, आई डोंट नीड ईमेल, रिमूव इट, आई डोंट नीड पासवर्ड, आई डोंट नीड यूजर नेम, आई जस्ट नीड दीज थ्री। तो स्टेटस जीवी तो ठीक है, नेम जीवी भी ठीक है, यूजर आईडी जीवी को आप कर दें कैटेगरी आईडी जीवी, ठीक है, कैटेगरी आईडी जीवी, और यहां पे मैसेज में भी लिख दें कैट आईडी, हालांकि ये हिडन है दिखेगी नहीं, ओके, बस दो चीजें नेम एंड स्टेटस, दैट्स इट, तीसरी चीज भी है वो हिडन है। तो इधर आ जाएं, क्या मैं यहां पे ऐसा लिख सकता हूं,
इसका नाम क्या है भाई? डेटा ग्रिड व्यू वन। डेटा ग्रिड व्यू वन तो हट गया, यहाँ पे क्या रहेगा? कैट आई डी जी वी, देन ब्रैकेट ओपन करके आप देख भी सकते हैं व्हाट पैरामीटर इट इज आस्किंग। इट इज आस्किंग मी फॉर, अच्छा एक और चीज, शो कैटेगरीज, सही है, शो कैटेगरीज, बल्कि रिट्रीवल के अंदर जाकर, हाँ शो कैटेगरीज ही है, शो कैटेगरीज और ब्रैकेट ओपन, और इसमें क्या मांग रहा है फिर? कैटेगरी आईडी आ गई, कैटेगरी नेम आ गया, और उसके बाद स्टेटस चाहिए आपको, तो स्टेटस आपके पास एंड में है, सेव इट। जब ये एक दफा रिट्रीव ऐसे होगा तो दूसरी दफा भी ऐसा ही होगा ना भाई, क्लियर है? अपडेट यूजर की जगह क्या लिख देंगे? अपडेट कैटेगरी, और यहाँ यूजर आईडी की जगह क्या आ जाएगा? कैट आईडी। अब ये कैट आईडी पे अभी हमने आईडी मंगवाई नहीं है, वहाँ ग्रिड के क्लिक के ऊपर भी काम होगा, और यहाँ क्या आ जाएगा? कैटेगरी टेक्स्ट। अब आप चेक कर लें इसको, पहले ब्रैकेट खोल के क्या मांग रहा है? सबसे पहले आईडी, देन नेम, देन स्टेटस। तो स्टेटस हमारे पास सबसे एंड में है, ठीक है भाई? आईडी भी आ गई, स्टेटस भी आ गया, कैटेगरी शो भी हो गई। अब क्या करना है? यूजर्स की विंडो पे आकर, ग्रिड पे क्लिक कर, इवेंट्स पे जाकर, सेल क्लिक पे जाकर ये कोड उठा लेना है आपने, सिंपल। ये कोड कॉपी कर लें और इधर आकर कैटेगरीज में जाकर अपनी ग्रिड पे क्लिक करके, यहाँ पर आकर सेल क्लिक की डबल क्लिक करके, और यहाँ पे ये कोड पेस्ट कर देना है, समझ में आ रही है बात? और उसके बाद क्या करना था भाई? यूजर आईडी की जगह क्या रहेगा? कैटेगरी आईडी, फिर कैटेगरी टेक्स्ट, और क्या है? स्टेटस वाला, स्टेटस वाला काम ये रहा। अब अगर आप अपनी वो जो डेटा उठ के आ रहा है इसमें किस किस तरह से आ रहा है, आईडी कॉपी इट पेस्ट इट, देन व्हाट वी हैव कैटेगरी, और यहाँ पे आ जाएगा कैटेगरी, और फिर क्या है, सॉरी यहाँ पे जो मेरी ग्रिड व्यू ओरिजिनल है उसके आएंगे, सॉरी आईडी कैटेगरी आईडी जीवी, बिकॉज दिस इज माय रॉ डेटा ग्रिड व्यू रॉ, देन कैटेगरी नेम, क्या था, नेम जीवी, सही है, एंड देन वी हैव स्टेटस जीवी, स्टेटस जीवी है हमारे पास, सही है। तो हमें कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं थी, बस यहाँ कैटेगरी आईडी करना था। अच्छा, स्टेटस ड्रॉप डाउन में हमारे पास एक्टिव ड्रॉप डाउन है, बल्कि सही है, क्लियर है सब लोगों को? वी हैव डन ऑल द नेसेसरी स्टेप्स एक्सेप्ट द सर्च। सर्च के लिए हमने काम नहीं किया, आप सर्च भी कर सकते हैं, और सर्च करवाने के लिए हमारे पास जो प्रोग्रामेबिलिटी में एक स्टोर प्रोसीजर हमने बनाया था, गेट यूजर्स डेटा लाइक, इसको मॉडिफाई करें, इस पूरे को कॉपी कर लें, न्यू क्वेरी पे जाएं, पेस्ट करें, क्रिएट प्रोसीजर और गेट कैटेगरीज डेटा लाइक, सही है, गेट कैटेगरीज डेटा लाइक, और इसके अंदर भी क्या करेंगे आप, जो भी डेटा आपने पास करवाना है वो पास करवाएंगे, ये हटा दें, वी नीड ऑल ओनली दीज थ्री, बल्कि इसमें आप सर्च ना भी करवाएं तो भी चलेगा, कैटेगरी है इसमें क्या सर्च करेंगे आप, लेकिन फिर भी अगर आप करवाना चाहते हैं तो आप करवा लें, सेलेक्ट फ्रॉम कैटेगरीज, अच्छा वो कैटेगरी यहाँ पे लिखा हुआ नहीं आएगा, राइट नाउ आई एम स्किपिंग दिस, क्या ख्याल है, इसको स्किप कर लें, आप कैटेगरी को भी सर्च करवा सकते हैं, चलें कुछ आप खुद भी कीजिएगा, इफ़ यू विश टू सर्च द कैटेगरीज यू कैन सर्च द कैटेगरीज, इसका कोड भी लिख दें जिस तरह से आप आपने यूजर्स के लिए लिखा था, सही है, राइट नाउ वी आर स्किपिंग दिस, नो प्रॉब्लम, ओके, व्हाट एल्स नीडेड, यस वी हैव टू गो टू आवर होम स्क्रीन, वी डोंट हैव एनी कैटेगरी विंडो हियर, कैटेगरीज वी डोंट हैव कैटेगरीज, सो कॉपी सम बटन हियर एंड पेस्ट इट, it will go downward, remove the dock, click here, again apply the dock, change the name, category button, and
कैटेगरीज, और इस पर डबल क्लिक कर लें। अब यहाँ पे कौन सी विंडो खुलवानी है भाई, कैटेगरी वाली विंडो खुलवानी है, तो कैटेगरी कॉपी एंड पेस्ट। एनी प्रॉब्लम इन दिस कोड? क्लियर है? लेट अस रन द प्रोग्राम नाउ। आपने देखा होगा पिछली क्लास में जिस स्पीड से हमने काम किया था उससे बहुत ज्यादा जल्दी ही ये काम हुआ है हमारा। क्यों? क्योंकि वन टाइम आपके पास मॉडल बन जाता है ना, तो फिर उसको काम करना उस पर और आसान हो जाता है। और हमारे पास अब ऐसे मॉडल्स भी आ गए हैं कि जिसमें हमें डेटाबेस भी लिखना नहीं पड़ता, डेटाबेस ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है। और अगर डेटाबेस होता है तो कोड ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है, वो आप आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो लॉग इन कैटेगरीज, लुक द सेम विंडो अपीयर्स, सब कुछ डिसेबल्ड है, जब मैं ऐड करूंगा तो खुल रहा है, सही है ना? यही तो चाहिए था हमें। तो लेट अस ऐड द कैटेगरी, कैटेगरी नेम लेट्स से डेरी, और ये एक्टिव है, यस सेव, लुक एडिट, लोड भी हो रहा है, डेरी आइटम ऐड हो गया। अब जब मैं इधर क्लिक करूंगा तो यहां से उठ के वापस भी आ रहा है और ये डिसेबल्ड भी हो रहा है। और जब मैं एडिट करूंगा डेरी का वाई कैपिटल कर दूं अगर, और उसके बाद सेव करूं, तो फिर आई वांट टू अपडेट, यस अपडेट, और अपडेट सक्सेसफुली, ये वाई कैपिटल हो गया। उसके बाद अगर मैं इसको डिलीट करता हूं तो क्लिक किया इस पे डिलीट, अच्छा डिलीट पे काम नहीं किया था, देखा, इसको टेस्ट करना कहते हैं, टेस्टिंग से हमें पता चल गया वी हैव स्किप द डिलीट ऑपरेशन। खैर व्यू के ऊपर व्यू भी हो जाएगा, डजंट मैटर, और सर्च पे भी हमने काम नहीं किया। क्लियर है? बैक कर लें। अब अपने अगला स्टेप ये करना है कि एक तो डिलीट के ऊपर काम करना है और दूसरा प्रोडक्ट की विंडो के अंदर आकर कैटेगरीज को शो करवाना है। ओके लेट्स डू दिस। तो कहाँ गया भाई, कैटेगरीज, गो टू योर डिलीट ऑपरेशन, डिलीट बटन, यूजर्स के डिलीट बटन पे क्या हो रहा था, यूजर्स के डिलीट बटन के ऊपर ये काम हो रहा था, इसको कॉपी कर लें और कैटेगरीज के डिलीट बटन के ऊपर यहाँ पर आकर पेस्ट कर दें। आई शो यू वांट टू डिलीट द रिकॉर्ड, मैंने कहा जी बिल्कुल, तो मैंने कहा कैटेगरी आईडी ले लो यहाँ से जो मेरे पास है, और डिलीट यूजर के बजाय मैं क्या ले लूँगा इधर से, डिलीट कैटेगरी, ये रहा, कॉपी इट एंड पेस्ट इट, और क्योंकि रिकॉर्ड शो करवाना है तो रिकॉर्ड तो हमने यहाँ से शो करवाया हुआ है, कॉपी इट एंड पेस्ट इट, सही भाई? तो वही डिलीट का फंक्शन इस्तेमाल हुआ जो हमने वन टाइम बनाया था, आज आईडी बदल दी, मैसेज वो प्रोसीजर बदल दिया, और उसके अंदर आईडी मैंने ऐसी दी हुई है, ये भी नोट वेरीफाई कर ले, हाँ क्लियर है? तो डिलीट का कोड भी इंशाल्लाह चल जाएगा इससे, ये कैटेगरीज के अंदर कोड किया है मैंने। ओके इतना काम होने के बाद अब क्या करना था, प्रोडक्ट की विंडो में आके कैटेगरी को लोड करवाना था, उसके लिए क्या करेंगे। अच्छा एक और चीज, ये जो आपकी एक्टिव इनएक्टिव है इसको जरा देखें गौर से एक बार, डिलीट भी कर लेते हैं इसी बहाने, कैटेगरीज व्यू, व्यू पे काम किया था हमने, व्यू पे भी काम नहीं किया, रुक जाएं, व्यू के ऊपर यूजर्स के अंदर आएं, व्यू बटन के ऊपर ये मेथड कॉल हो रहा है ना बस, तो हम लोग कैटेगरीज में आके ये जो हमारा ये मेथड है ये व्यू के ऊपर भी कॉल करवा लेते हैं हम लोग, सिंपल, अब मसला खत्म। ओके लॉग इन कैटेगरीज व्यू, ठीक है ना, ये आ रही थी, इस पर क्लिक किया डिलीट, आई यू शो यू वांट टू डिलीट, इट इज वर्किंग, यस डिलीटेड, नो रिकॉर्ड्स आर लेफ्ट, नाउ ऐड, व्हाट ऐड, व्हाट टू ऐड, डेरी अगेन, डेरी, अब ये मुझे दिखाना है, देखो मैं यहाँ टाइप कर रहा हूँ, इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल बट इट इज वर्किंग, ये ऐसी ड्रॉपडाउन उस वक्त काम आती है जब आप गूगल की तरह अपेंड वगैरह करवाना चाह रहे होते हैं, वो भी इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में आपको बताऊंगा, कि मैं अगर यहाँ पे लिख रहा हूँ डी ए तो डी ए वाले सारे नाम आ जाएंगे ड्रॉपडाउन लिस्ट में, और फिर मैं सिलेक्ट कर लूंगा, लेकिन अभी तो फिलहाल मेरे पास यस नो है, इसके अंदर मैं यहाँ पर कहीं पर भी क्लिक करूँ तो खुल जाना चाहिए ना, ये वाला कर्सर ना आना ना आए, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कैटेगरीज पे आएंगे, ड्रॉपडाउन लिस्ट पे आएंगे, प्रॉपर्टीज पे जाएंगे, और ड्रॉपडाउन का जो ड्रॉपडाउन स्टाइल है वो ड्रॉपडाउन लिस्ट कर देंगे हम लोग। तो अब जब इसको आप चेक करोगे तो क्या होगा, कहीं पर भी क्लिक करोगे लिस्ट खुल जाएगी,
लॉगिन, कैटेगरीज, ऐड, देख रहे हैं वो टाइपिंग वाला मोड ही खत्म हो गया, सही है भाई। अब अगला स्टेप था हमारे पास के प्रोडक्ट्स की विंडो में सब बंद कर दें आप। अच्छा, प्रोडक्ट्स की जो विंडो है हमारे पास कहाँ है भाई, प्रोडक्ट्स, और इस प्रोडक्ट की विंडो के अंदर कैटेगरी चाहिए हमें। कैटेगरी कब चाहिए, जब हम ऐड का बटन प्रेस करें तो कैटेगरी लोड हो जाए, ठीक है। तो प्रोडक्ट के कोड पे चलते हैं, जब हम ऐड का बटन प्रेस करें तो कैटेगरी लोड हो जाए, तो उसके लिए हमारे पास मेथड था, और वो मेथड किस क्लास में था, रिट्रीव की क्लास में था, रिट्रीवल आर इक्वल टू न्यू रिट्रीवल। वैसे भी हमने ये ऑब्जेक्ट तो बनाना ही था, तो ऐड बटन के ऊपर मैं क्या कर रहा हूँ, आर डॉट गेट कैटेगरीज लिस्ट, क्या मांग रहा है, प्रोसीजर, प्रोसीजर कहाँ बना है, ये रहा, कॉपी इट और यहाँ पे पेस्ट कर दें। फिर क्या मांग रहा है, कॉम्बो बॉक्स, मेरे पास इस कॉम्बो बॉक्स का नाम क्या है, कुछ भी नाम नहीं रखा अभी तक मैंने, कैटेगरी ड्रॉप डाउन, सही है, और यहाँ पर आ जाएं और इसको मैं दे देता हूँ कैटेगरी ड्रॉप डाउन, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं करना क्योंकि मैंने वहाँ पर यही पास करवाया हुआ है इस मेथड के अंदर, रिट्रीवल वाले में कॉम्बो बॉक्स पास कर दो, मैंने पास कर दिया अपना कैटेगरी ड्रॉप डाउन और अपना प्रोसीजर भी पास कर दिया, और उसके अंदर देखें मामलात, अब यहाँ पर एक और भी मामलात ख़राब हो जाएंगे। ये जो चीज़ है ये तो हर क्वेरी में अलग अलग होंगी, ये तो कैटेगरी के हिसाब से है ना, तो इसके लिए मुझे ये पता चला कि स्ट्रिंग डिस्प्ले मेंबर मैं खुद मांग लूं, सही है, कॉमा स्ट्रिंग वैल्यू मेंबर मैं खुद मांग लूं, ठीक है, तो क्या मैं यहां पे ये लिख सकता हूं कैटेगरी हटा के, क्या डिस्प्ले मेंबर, ये सारा डायनामिक काम हो रहा है ताकि आप इस मेथड को री यूज कर सकें, और यहां पे दे दूं वैल्यू मेंबर, सही है, सेव किया और इधर प्रोडक्ट्स में आए और यहां कॉमा लगा के ये तो दे दिया आपने डिस्प्ले मेंबर, वैल्यू मेंबर में क्या था, आईडी चेक कर ले, हाँ जी आईडी है, सही है, क्लियर है ये सबको, ओके तो स्टार्ट करते हैं, लॉग इन प्रोडक्ट्स। अच्छा, प्रोडक्ट की विंडो के ऊपर प्रोडक्ट की विंडो को लगाना भी है, लुक वी हैव सो मच टास्क टू डू, प्रोडक्ट ड्रॉप डाउन डबल क्लिक, दिस इज माई प्रोडक्ट इवेंट, प्रोडक्ट ड्रॉप डाउन, सॉरी प्रोडक्ट्स, दिस इज द नेम ऑफ माई विंडो और द क्लास एंड दैट्स इट, स्टार्ट, लॉग इन प्रोडक्ट्स, आई हैव द प्रोडक्ट्स, अभी मैंने इस पर कोई काम नहीं किया हुआ, बट जब मैं इधर क्लिक करूंगा तो कैटेगरी कोई भी नहीं आ रही, कैटेगरी है हमारे पास पीछे क्या मौजूद, ऐड का बटन क्लिक नहीं किया था मैंने, दैट मीन्स एन एरर हैज बीन अकर्ड, द सॉफ्टवेयर हैज बीन हैंग्ड, क्या कह रहा है ये मुझे, अच्छा ये कह रहा है कि आइटम्स कलेक्शन कैन नॉट बी मॉडिफाइड व्हेन द डेटा सोर्स प्रॉपर्टी इज सेट, ओके, तो ये जो चीज है ना ये यहां से हटा के यहां कर दो, ठीक है, ये कह रहा है कि आपने वन टाइम डेटा सोर्स लगा दी ना तो फिर आप अपनी मर्जी का कुछ नहीं ऐड कर सकते, इस वजह से इसको यहां कर दिया। अब चेक करते हैं एरर्स को, जब तक पढ़ेंगे नहीं ना जब तक समझ में नहीं आएगा, ऐड स्टिल इट इज प्रॉब्लम गेटिंग प्रॉब्लम, अब क्या मसला है, अच्छा वन टाइम फर्स्ट टाइम पे एरर नहीं आ रहा बट सेकंड टाइम पे एरर आ रहा है, क्यों, क्योंकि वो आइटम्स क्लियर नहीं हो रहा, और एक और चीज़ भी करते हैं, cb.data source इक्वल टू नल, क्योंकि जब हम दोबारा क्लिक कर रहे हैं तो वो दोबारा इस मेथड को चला रहा है, तो इस cb के ऊपर डेटा सोर्स सेट हुई हुई है ना, इस वजह से एरर आ रहा था, कंटिन्यू करें दोबारा,
let me verify, I have categories as well or not? I don't have categories. Look, I don't have categories. Add category, हम लोग यहाँ पे add कर लेते हैं dairy, और इसको कर लेते हैं yes active है, save. ये हो गया, डेयरी एडेड है. एक और ऐड कर लेते हैं बेकरी, और यहां पर आ जाएगा यस. दो आपके पास कैटेगरीज ऐड हो गई. बैक, गो टू योर प्रोडक्ट्स. राइट नाउ इट इज ब्लैंक. लुक, क्लियर है? बट द इश्यू इज स्टिल कि हमारे पास जो है वो बाय डिफॉल्ट वो जो सिलेक्ट वाला पहला ऑप्शन है वो उठ के आना चाहिए, लिखा हुआ आना चाहिए ना सिलेक्ट बाय डिफॉल्ट. तो उसको जो है हम लोग देखते हैं, करते हैं. लेकिन अब आप गौर करें, मैं यहाँ कैटेगरीज पे आ रहा हूँ, मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ. एक और आइटम मैंने ऐड कर लिया, किचन वेयर. सही है, किचन वेयर. और इसको यस कर दिया, सेव कर दिया. इधर आए और इधर प्रोडक्ट्स पे गए, ऐड किया किचन वेयर. दिस इज द डायनामिक वर्क. अब अगर मुझे रन टाइम पे कभी जिंदगी में एक और कैटेगरी भी ऐड करनी होगी तो मैं आराम से कर सकता हूँ, नहीं कर सकता, और उसके प्रोडक्ट डायरेक्ट ऐड करवा सकता हूँ कि नहीं करवा सकता. जस्ट आई हैव टू गो दैट विंडो और वहां पे कैटेगरी ऐड करूंगा और यहाँ पे काम हो जाएगा मेरा. क्लियर है? ठीक है, तो अब जो है वो यहाँ पर मैं स्टॉप करता हूँ. तो आज की क्लास के बाद हम लोगों ने कैटेगरीज को ऐड करने के बाद अगला जो काम करना है वो आप लोगों को मैं टास्क दे रहा हूँ. वो टास्क ये दे रहा हूँ कि आपने प्रोडक्ट ऐड करवाने हैं अब इसी तरीके से जिस तरह से हमने कैटेगरीज को ऐड करवाया है. अप टिल देन, अगली क्लास में मैं आपके साथ इस प्रोडक्ट वाली विंडो के ऊपर क्रूड ऑपरेशंस परफॉर्म करवा कर मिलूंगा फिर. सही है, इंशाल्लाह फिर उसमें क्रूड ऑपरेशंस पहले परफॉर्म करवा लेंगे ताकि हम फिर आगे काम करेंगे. और ये असाइनमेंट है आप लोगों के लिए कि आप इसको जो है वो यहाँ तक करके प्रोडक्ट्स ऐड करवा के यहाँ पे आपने ये सोचना है कि यहाँ पर ये ब्लैंक कैसे होगा. दिस इज अ टास्क, मतलब बाय डिफॉल्ट ये एम्प्टी शो हो. क्लियर है ये बात? बाय डिफॉल्ट ये एम्प्टी शो हो और उसके बाद मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँ तो फिर ये मामला चलें. ओके, एक तो ये हो गया. दूसरा जो मुझे काम करना था वो ये करना था कि बाकी वही सारे मामला होंगे जिस तरह से होते हैं. और प्रोडक्ट के टेबल में, ये हिंट दे रहा हूँ मैं आप लोगों को, प्रोडक्ट के टेबल में ऑब्वियसली बात है प्रोडक्ट स्टोर करवाओगे ना किसी टेबल में तो प्रोडक्ट किसी कैटेगरी से बिलोंग करता होगा, ऑब्वियसली बात है. वन कैटेगरी कैन हैव मोर देन वन प्रोडक्ट्स, इजंट इट? ऐसा ही है ना? लेकिन एक प्रोडक्ट दो कैटेगरी से हो सकता है क्या? अमूमन नहीं होता. तो हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि भाई एक प्रोडक्ट एक ही कैटेगरी का होगा, ठीक है, और एक कैटेगरी में बहुत सारे प्रोडक्ट्स होंगे. दैट मींस प्रोडक्ट के टेबल के अंदर फॉरेन की बनेगी. कैटेगरी आईडी जो प्राइमरी की है कैटेगरी के टेबल में, वो प्रोडक्ट के टेबल में फॉरेन की के तौर पे इस्तेमाल होगी. ठीक है, ये एक असाइनमेंट है, आप लोग इसको कीजिए. अगली क्लास में इंशाल्लाह ये काम मैं आपको कर प्रोडक्ट की विंडो के साथ मिलूंगा. तब अप टिल देन, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़.